हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? समझता हूँ सब सही सलामत होंगे और मेरा जो चैनल में और एक दूसरा वीडियो का प्रतीक्षा करेंगे। तो आज जो टॉपिक है, मैं आर्क लेंथ के बारे में बताना चाहता हूँ। आर्क लेंथ मतलब ये जब कोई मतलब फर्स्ट स्टेज में जब होल्डिंग सीखता है, मतलब सीखने के लिए कोशिश करता है, तो क्या करता है, वो पहले आर्क बनाना सीखता है। मतलब इलेक्ट्रोड को, जो इलेक्ट्रोड लगता है आर्क होल्डिंग में, वो उसको बेस मेटल को टच करके वो मतलब एक स्पार्क करता है। स्पार्क करने के बाद वो आर्क क्रिएट होता है, उसको कहते हैं आर्क। उस जब ये आर्क क्रिएट होता है, उसका एक डिस्टेंस, मतलब जो मेटल को टच करता है उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। जब ये डिस्टेंस अच्छा से मेंटेन करता है तो होल्डिंग बहुत अच्छा होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज है जब वो कोई ईयर होल्डिंग सीख रहा होता है, तो ये आर्क लेंथ के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और जो जान चुके हैं भी उनके लिए भी बहुत जरूरी है। जो इस वीडियो में बताऊंगा ये आर्क लेंथ कैसा होता है, उसका इफेक्ट मतलब इसका प्रभाव कैसा पड़ता है, उसी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो। पहले देखिए, मैं थोड़ा यार्ली से लर्निंग मतलब यार्ली से बता रहा हूँ। पहले क्या होता है, एक पावर सोर्स होता है होल्डिंग मशीन में, दो केबल निकलता है। एक केबल में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रो लगा रहता है, इसमें इलेक्ट्रो लगता है, और दूसरे में क्या होता है, आपका बेस मेटल होता है। मैं यहाँ बेस मेटल यानी BM लिख रहा हूँ। वो एक हिस्सा में आपका इलेक्ट्रोड, यहाँ इलेक्ट्रो लगा है, और क्या है, ये दूसरे हिस्सा में जो है ये आके आपका बेस मेटल में टच करेगा। जब ये इलेक्ट्रोड माइनस में लगता है और बेस मेटल पॉजिटिव में लगता है, तब क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। ये एक सर्किट बनता है, मतलब करंट इलेक्ट्रोड से होके वो क्या होता है, बेस मेटल से होके फिर मशीन तक जब जाता है, तब ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। जब इलेक्ट्रिक एक सर्किट बनता है, तो हमको पता है कोई भी कंडक्टर दूसरे में जब टच होके आपस में छूट जाते हैं, तब ये एक स्पार्क होता है। तो ये इलेक्ट्रोड जो बेस मेटल को टच करेगा, तब क्या होगा, एक स्पार्क होगा, एक स्पार्क होगा। जब स्पार्क क्रिएट होता है, तब क्या होता है, आर्क होता है। जब आर्क होता है, तब क्या होता है, उसमें हीट होता है। जब हीट होता है, वो क्या करता है, मेटल को फ्यूज करता है, मतलब मेटल को पिघल देता है, उसको मोल्टन स्टेज में लाता है, मोल्टन स्टेज में लाता है। जब ये मोल्टन स्टेज में आ जाता है, तब क्या होता है, मतलब कुछ मेटल और इलेक्ट्रोड से निकल के ये बेस मेटल पर डिपोजिट होता है, और जो बेस मेटल वो भी पिघल जाता है, तो अब ये होल्डिंग बन जाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल गैस होल्डिंग प्रोसेस में। थोड़ा मैं ये भी बता दूं, ये जो आपको मशीन को चालू करने के लिए क्या होता है, 220 यानी 440 वोल्टेज का अप्लाई होता है। जब इसको चालू करना का होता है, मतलब जब आप आर्क क्रिएट करने के लिए कोशिश करेंगे, तो क्या करना होता है, पहले आपको मशीन को ऑन करना होता है। ऑन करने के बाद जब इसमें करंट आएगा, तो आप आर्क स्टार्टिंग करेंगे। जो पहले स्टेज में होल्डिंग सीखना चाहते हैं, मैं बहुत वीडियो से बता चुका हूँ कि हमारा चैनल से जरिए आप लोगों का हम थोड़ा होल्डिंग के बारे में थ्योरिटिकली और प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे। तो ये हमारा पहला कोशिश है, जो ईयरली है वो भी सीख सकेंगे, और जो जान चुके हैं उनके लिए भी है। तो देखिए, ये जो जो इलेक्ट्रोड यूज होता है MMAW, मतलब मैनुअल मेटल आर्क होल्डिंग प्रोसेस में, जो MMAW होता है उसको मैनुअल मेटल आर्क होल्डिंग भी कहते हैं, SMAW भी कहते हैं, मतलब सिलेंडर मेटल आर्क होल्डिंग प्रोसेस में भी इसको कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड का यूज होता है, जब होल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं एक इलेक्ट्रोड का फिगर यहाँ बना के रखा हूँ। देखो, इलेक्ट्रोड का थोड़ा हिस्सा के बारे में बता दूँ, तब ये आर्क लेंथ को आप थोड़ा अच्छा सा समझ जाएंगे। तो देखो, ये एक इलेक्ट्रोड का फिगर है, ये MMAW में यूज होता है। इसमें मैं लिख कर रखा हूँ कोर एयर, मतलब जो इलेक्ट्रोड रहता है इसका अंदर एक तार रहता है, इसको कोर एयर बोला जाता है। मैं यहाँ ऊपर में लिख कर रहा हूँ उसका जो डायमीटर है, मतलब उसका जो डायमीटर को मैं डायमीटर ऑफ द कोर एयर लिखा हूँ, डी के हिसाब से लिखा हूँ। और ये जो हिस्सा है, मतलब ये जो जगह है, वो इलेक्ट्रोड का फ्लक्स है, मतलब ये जो फ्लक्स होता है इसके जरिए ही होल्डिंग और भी आसान होता है होल्डिंग करने के लिए। ये तो दूसरा टॉपिक में भी
बता चुका हूँ और भी बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रोड का ये जो अग्रभाग मतलब जो एंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो मेटल को हम होल्डिंग करते हैं उसको हम बेस मेटल कहते हैं। तो ये जो क्या होता है इलेक्ट्रोड, जब हम आर्क क्रिएट कर रहे होते हैं वो बेस मेटल से थोड़ा छुटके मतलब थोड़ा हटके रहता है, उसको हम लेंथ कहते हैं, यानी उसको आर्क लेंथ कहते हैं। देयर इज अ स्ट्रेट लाइन डिफरेंस मतलब देयर इज अ स्ट्रेट लाइन डिफरेंस बिटवीन द बेस मेटल एंड टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नोन एज आर्क लेंथ। आर्क लेंथ किसको कहा जाता है ना, बेस मेटल और इलेक्ट्रोड का जब स्ट्रेट लाइन में कोई एक डिस्टेंस बनता है उसको आर्क लेंथ करते हैं कहते हैं। जब आर्क क्रिएट होता है तभी इसको आर्क लेंथ हम बोलते हैं। तो आर्क लेंथ को हम एल के हिसाब से ले रहे हैं। ये मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, मेटल अभी होल्डिंग हो रहा है, ये मेटल ट्रांसफर लिखा हुआ है, मतलब जो कोर एयर है वो मेल्ट होके क्या होता है आके बेस मेटल में डिपोजिट होता है। तब क्या होता है ये होल्डिंग प्रोसेस मेटल को फ्यूज करके मतलब बेस मेटल में फ्यूज होता है और इलेक्ट्रोड दोनों फ्यूज होने से क्या होता है माने होल्डिंग हो जाता है। अभी हमारा बात मेरा जो टॉपिक के बारे में मैं जो मूल चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लेंथ है मतलब जो आर्क लेंथ वो कैसा बनता है और जब बनता है तो उसका इफेक्ट क्या है। पहले मैं लिखा हूँ नॉर्मल और मीडियम आर्क लेंथ, मीडियम और नॉर्मल आर्क लेंथ। मानो ये इलेक्ट्रोड जो कोर एयर होता है वो बहुत सी टाइप का होता है, जैसे 1.6, 2.5, 3.15, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, इतने भी बहुत सी होता है। लेकिन जब इसका साइज के बारे में कोई पूछता है व्हाट इज द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, तो आपको ध्यान देना होगा इसका कोर वायर का डायमीटर जितना है वो इलेक्ट्रोड का साइज वही है। लेंथ के बारे में नहीं बताता हूँ, लेंथ जो होता है 450 mm से 350 mm तक अवेलेबल होता है। लेकिन जो उसका साइज है वो क्या होता है अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ द कोर एयर, अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ कोर एयर। कोर का डायमीटर जितना भी रहता है वो इलेक्ट्रोड का साइज इतना ही रहता है। तो आज का जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक 4 mm इलेक्ट्रोड का ले रहा हूँ, मतलब एक 4 mm इलेक्ट्रोड का जब आप पहचान लेंगे मतलब जान लेंगे तो और अलग किस्म का कि जब कैसा आर्क लेंथ बनता है उसके बारे में भी बता दूंगा। तो पहला हो गया मीडियम आर्क लेंथ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मीडियम आर्क लेंथ। मीडियम आर्क लेंथ कैसा होता है मैं एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोड का डायमीटर है 4 mm, ये है बेस मेटल। जब इलेक्ट्रोड का डायमीटर और यहाँ का जो लेंथ मतलब इलेक्ट्रोड टिप का लेंथ और बेस मेटल का लेंथ जो बराबर 4 mm रहता है उसको हम क्या कहते हैं मीडियम आर्क लेंथ। मतलब इसको मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ, तो ये हुआ लेंथ, ये हुआ डायमीटर एल और डी। तो डी इक्वल टू एल मतलब डायमीटर लेंथ के हिसाब से जो बराबर हो रहता है उसको हम मीडियम आर्क लेंथ कहते हैं। जब मीडियम आर्क लेंथ बनता है तो आपको एक साउंड भी सुनाई देता है, वो थोड़ा जब ईयरली होते हैं उनको थोड़ा पता नहीं चलता, जब दूसरे वो होल्डिंग करते रहते हैं उनको जो ताजुरु आ जाता है तो वो साउंड से भी उसको पहचान आ जाता है कि मैं कौन सा मतलब आर्क लेंथ बनाया हूँ। जब ये मीडियम आर्क लेंथ बनता है तो आप एक क्रैकिंग साउंड आता है, वो शार्प होता है, एक शार्प क्रैकिंग साउंड आपको सुनाई देता है जब ये मीडियम आर्क बनता है। वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जो आप होल्डिंग करते हो तो आपका होल्डिंग बहुत फिनिशिंग आता है उस मीडियम आर्क लेंथ में। ये जितना भी आर्क लेंथ में मीडियम आर्क लेंथ को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये आर्क लेंथ से हम अच्छा पेनेट्रेशन मतलब जो भेद करके जाता है कोई भी मेटल को। पेनेट्रेशन के बारे में अभी थोड़ा बता रहा हूँ आपको, ये एक मेटल होता है जब हम ऊपर होल्डिंग कर रहे होते ये क्या होता है हम नीचे तक भेदना चाहिए, मतलब पेनेट्रेशन होके नीचे आना चाहिए। ये पेनेट्रेशन होल्डिंग का एक बहुत मतलब क्या है जरूरी चीज़ है। जब पेनेट्रेशन अच्छा नहीं होता है तो क्या होल्डिंग अच्छा नहीं होता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो पेनेट्रेशन के बारे में जो भी होल्डिंग कर रहे होते हैं तो पेनेट्रेशन के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जब हम मीडियम आर्क में जब होल्डिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है इसका पेनेट्रेशन बहुत अच्छा है, गुड पेनेट्रेशन। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ गुड पेनेट्रेशन लिख रहा हूँ, पेनेट्रेशन अच्छा होता है। अब जब होल्डिंग कर रहे होते उसमें क्या होता है
मतलब लेस स्पटर होता है, लेस स्पटर। स्पटर मतलब होल्डिंग करने के बाद करने का टाइम क्या होता है, ये जो कोर वायर फ्यूज होता है और बेस मेटल फ्यूज होता है उसमें क्या है कि एक आर के प्रभाव से, आर के फोर्स से क्या होता है, मेटल यहाँ तहाँ बिछर के गिरता है, उसका हम स्पटर कहते हैं। जब ये मीडियम आर्क लेंथ बना होता है तब क्या होता है इसमें, मतलब रिड्यूस स्पटर, ज़्यादा स्पटर नहीं होता है, गुड पेनेट्रेशन होता है। और क्या होता है जो आर्क स्टेबल होता है, ये जो आर्क जो है जो आर्क क्रिएट होता है, स्टेबल आर्क, जो आर्क है मतलब यहाँ जो आर्क जलता है यहाँ ये स्टेबल है, जैसे मतलब कभी हिलता नहीं है, पूरा स्थिर स्थिर रह के ये आपको आर्क देता है। और क्या होता है गुड पेनेट्रेशन एंड गुड फ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड भी क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रोड है वो बराबर खर्चा होता है, जैसे आप होल्डिंग चाहते हैं उसी के हिसाब से मतलब बराबर होल्डिंग देता है और ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, मतलब गुड जो उसका गुड इफेक्ट डालता है। ये हुआ आपका मीडियम आर्क लेंथ का। ज़्यादातर ये आर्क लेंथ हम क्या करते हैं जब माइल्ड स्टील में मीडियम कोटेड, मीडियम कोटेड जब इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, जब मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड में ज़्यादातर हम क्या करते हैं मीडियम और नॉर्मल आर्क को यूज़ करते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई एग्जाम में आपको आता है तो मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड आपको कौन सा मतलब कौन सा आर्क लेंथ जरूर होता है मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड के लिए, यहाँ मीडियम भी लिखा गया है, देखो यहाँ भी मीडियम है, तो फटक से आप याद रखना चाहिए कि मीडियम कोटेड को हम मीडियम आर्क लेंथ में ही और यानी नॉर्मल आर्क लेंथ में भी होल्डिंग करें, ज़्यादातर नॉर्मल आर्क लेंथ में सभी जगह में होल्डिंग होता है। तो ये हुआ नॉर्मल आर्क लेंथ के बारे में थोड़ा बता दिया। अभी आता हूँ मैं शॉर्ट आर्क के बारे में बताना चाहता हूँ। शॉर्ट आर्क जो होता है वो क्या होता है, मैं एक रिलेशनशिप बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोड है ये बेस मेटल है, वही बात जब डी और एल के बारे में लिख रहा हूँ, जब ये डायमीटर और लेंथ के बारे में क्या होता है, जब डायमीटर और लेंथ के हिसाब से मतलब जो लेंथ क्या होता है छोटा हो जाता है, डायमीटर के हिसाब से छोटा होता है, मतलब क्या है जब लेंथ है, जो लेंथ है वो क्या होता है 2 mm 3 mm इतना में जब रहता है उसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट आर्क लेंथ कहते हैं। ये होता है शॉर्ट आर्क लेंथ को पहचानने का एक तरीका। और इसमें जो साउंड होता है उसमें क्या होता है ना पॉपिंग साउंड होता है, इसमें क्या होता है एक पॉपिंग साउंड सा आता है। अभी मैं इसको साउंड के बारे में बताया, इसको आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया, अभी इसको कहाँ यूज करते हैं और उसका जो फीचर्स है उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो जब शॉर्ट आर्क में होल्डिंग कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, जब पेनेट्रेशन है वो पेनेट्रेशन क्या होता है थोड़ा डीप होता है, उसका डीप पेनेट्रेशन होता है, ये थोड़ा ध्यान का बात है। शॉर्ट आर्क को जहाँ डीप पेनेट्रेशन का जरूरत होता है मतलब होल्डिंग को ज़्यादा भेदना होता है तब क्या होता है हम शॉर्ट आर्क का यूज करते हैं। और जो ये जो होल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है बीड जब होता है उसको थोड़ा हाई और क्या होता है नैरो और थोड़ा हाई हो जाता है, मतलब हाइट ज़्यादा बड़ा हो जाता है इस शॉर्ट आर्क प्रोसेस में। और इसमें क्या होता है जो स्पटर के बाद कह रहा हूँ तो लेस स्पटर जब होता है, लेस स्पटर होता है मतलब इसमें स्पटर जमा दिखाई नहीं देता है। और एक बात क्या है उसमें क्या होता है इलेक्ट्रोड मोर कंज्यूम, इलेक्ट्रोड यहाँ ज़्यादा खर्चा होता है, कंज्यूम मोर, इसमें इलेक्ट्रोड ज़्यादा खर्चा होता है। और क्या होता है इस होल्डिंग प्रोसेस का एक यूज कहाँ होता है उसके बारे में भी बता रहा हूँ। देखो ये एक मैं सिंगल वी होल्डिंग करने के लिए फिगर बनाया हूँ। सिंगल वी प्रोसेस में क्या होता है जो रूट रन का बहुत ज़रूरी होता है, जो रूट रन यानी पहला रन, रन थ्री टाइप का होता है, रूट रन, इंटरमीडिएट रन और कवरिंग रन। तो जब ये पहला रन जो लगाना होता है तब क्या है ये रूट रन के लिए बहुत जरूरी होता है। जब शॉर्ट आर्क को हम यूज करेंगे उसको हम क्या करेंगे
सोटर को जब हम यूज करेंगे उसमें क्या है, रूट रन के लिए बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, इसका आपका पेनेट्रेशन बहुत अच्छा होता है और क्या होता है, मेटल जो होल्डिंग करने में और दूसरा जो इंटरमीडिएट रन लगाने में आपको बहुत ठीक मतलब अच्छा होता है। उसके बाद क्या बोलता हूँ, ये इलेक्ट्रोड कहाँ यूज होता है, ये कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड यहाँ यूज होता है। एक होता है LH यानी लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके बाद होता है हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड जो होता है, जो का कोटिंग फैक्टर होता है 1.6 से mm से ज़्यादा होता है उसका कोटिंग फैक्टर, और हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड इसमें यूज होता है। और एक होता है आयरन पाउडर कोटेड, जो ये फ्लॉक्स में ज़्यादातर आयरन रहता है इस टाइप का इलेक्ट्रोड इसमें यूज होता है। और क्या होता है, जितना है पोजिशनल होल्डिंग, जितना पोजिशनल होल्डिंग है मतलब जो बहुत डिफिकल्ट होल्डिंग पोजिशन होता है वर्टिकल और ओवरहेड हॉरिजॉन्टल, इस पोजिशन में इसको हम क्या करेंगे, अपने ज़्यादातर शॉर्ट आर्क को यूज़ करेंगे। उसके बारे में अभी शॉर्ट आर्क के बारे में थोड़ा बता दिया, अभी मैं लॉन्ग आर्क के बारे में बता रहा हूँ। ये हो गया 3 नंबर लॉन्ग आर्क लेंथ। लॉन्ग आर्क में लेंथ में क्या होता है, वही रिलेशनशिप इलेक्ट्रोड और ये में डी और एल के ये में क्या होता है, डी से ज़्यादा लेंथ बड़ा होता है, मतलब डी जो होता है डायमीटर से लेंथ ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब मैं 4 mm का इलेक्ट्रोड लिया हूँ तब जो ये लेंथ होता है 6 mm 7 mm यानी 5 mm, जब इससे ज़्यादा होता है तब क्या होता है, जो लेंथ होता है जब इससे ज़्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग आर्क कहते हैं। ये लॉन्ग आर्क ज़्यादातर एक डिफेक्ट होल्ड है, मतलब ये लॉन्ग आर्क में हमारा कोई भी होल्डिंग आप नहीं करेंगे, लॉन्ग आर्क में होल्डिंग करने से होल्डिंग ख़राब होता है। तो ज़्यादातर इसका भी यूज़ भी होता है, जैसे हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है तो ये भी आपका ज़रूरी है, कौन कहाँ ज़रूरी होता है उसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये है आपका होल्डिंग का फिगर, जब आप इसमें होल्डिंग करेंगे तो इसमें पेनेट्रेशन जो है ना के बराबर है, जब आप पेनेट्रेशन इसमें लेस पेनेट्रेशन पाएंगे, लेस पेनेट्रेशन, इसमें पेनेट्रेशन आप मतलब बहुत कम पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जो बीड का शेप होता है वो थोड़ा क्या होता है, वाइड हो जाता है। बीड का शेप क्या होता है, एक वाइड हो जाता है। और क्या होता है, स्पाटर के बारे में बताऊं तो ये बहुत स्पाटर देता है, मोर स्पाटर, ये बहुत स्पाटर देता है, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रोड बहुत ऊंचाई में रखते हैं मतलब हाइट में रखते हैं तब क्या होता है, जो मेटल ट्रांसफर होकर यहाँ आता है तब क्या होता है, वो चारों ओर फैल जाता है। उसका भी बहुत कारण है, मैं उसके बारे में बताऊंगा दूसरा बारे में, उसका एक कारण होता है जो आर्क ब्लो होता है उसका एक कारण है, उसके मैं आर्क लेंथ के बारे में भी जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट के बारे में भी आपको कोशिश करूंगा अगली वीडियो में बताने के लिए। ये होता है क्या है, लेस पेनेट्रेशन, बीड का वाइड होता है, मतलब आप रिक्वायर के हिसाब से आप बीड को नहीं जमा पाएंगे। उसके क्या होता है, डिफिकल्ट टू जो इलेक्ट्रोड का आपको क्या होता है, आपको स्टेबल नहीं कर पाएंगे, नॉट स्टेबल ऑफ द इलेक्ट्रोड से आप, ये जो होता है सबसे अच्छा स्टेबल मीडियम मार्क में होता है, उसके बाद तो आर्क लेंथ में और भी अच्छा होता है, लेकिन ये जो लॉन्ग आर्क में आप इलेक्ट्रोड को स्टेबल नहीं कर पाएंगे, मतलब आप मनचाहा होल्डिंग नहीं पा पाएंगे। लेकिन इसको हम कहाँ यूज करते हैं उसका एक बात है, एक होल्डिंग होता है प्लॉट और स्लॉट होल्डिंग प्रोसेस है, उसके इसमें इसको ज़्यादा हम यूज करते हैं। जब आर्क रीस्टार्टिंग, मतलब एक होल्डिंग कर रहे होते हैं, एक यहाँ से यहाँ बिल हम लगा चुके हैं, उसके बाद जब दूसरा बार स्टार्टिंग करेंगे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जब उस टाइम में हम थोड़ा लॉन्ग आर्क करेंगे तब तो क्या होता है, हमारा आर्क अच्छा से जलेगा। ये थोड़ा बहुत से आदमी का
मतलब जो बहुत से ओल्डर का प्रॉब्लम होता है, जब आर्क रीस्टार्ट करें तो ठीक से वो लगता नहीं, मतलब चलता नहीं पोजिशन होल्डिंग में कोई भी कहीं भी हो, तो आर्क जो रीस्टार्टिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या होता है लास्ट में, जो लास्ट एंड होता है ये स्टार्ट एंड होता है, ये लास्ट एंड होता है, जब होल्डिंग ख़त्म होता है उसमें क्या होता है एक प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं क्रैटर। उसको बोलते हैं अनफील्ड कटर। अनफील्ड कटर मतलब ये जो जगह होता है थोड़ा डिप्रेशन के वजह से, जो मैग्नेटिक फोर्स के वजह से उसका मतलब क्या है, जो होल्डिंग थोड़ा नीचे चला जाता है, तब क्या होता है इस जगह को आप फिलअप करने के लिए कोशिश करेंगे, तो जब ये जगह को आप फिलअप करना चाहते हैं तब जब इलेक्ट्रोड आप विड्रॉ कर लें मतलब उठा रहे हैं थोड़ा लॉन्ग आर्क तक जब उठाएंगे तब क्या होता है ये आपको क्रैटर फिलिंग हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर लॉन्ग आर्क की यूज नहीं होता है, उसको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, तो ये लॉन्ग आर्क को कहाँ यूज होता है उसके बारे में भी थोड़ा बता दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो थ्योरिटिकल नॉलेज मिल रहा है उसको आप थोड़ा कहीं भी यूज करिए, और हमारा जो चैनल है उसमें भी हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा प्रैक्टिकल में भी दिखाने के लिए। तो जितना भी थ्योरिटिकल नॉलेज आप ITI में जो फिटर बच्चे हैं होल्डर बच्चे हैं और थोड़ा मैकेनिकल जो ट्रेड है उसमें ये सब हिस्सा है, तो जितने भी बच्चे उनसे रिलेटेड हैं तो ये हमारा जो चैनल है, इस चैनल में हम हर दिन एक कोशिश करते हैं नया वीडियो डालने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल हो फिटर हो होल्डर हो वो रोज़ एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप जो ये चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो रोज़ एक ना एक नया वीडियो लर्न के मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है आपको मिलेगा। थोड़ा भी हम ट्राई करें आपको खुशी रखने के लिए, तो बीच बच्चे में आपको थोड़ा हंसा देते हैं तो आप भी हंसते रहिए तंदुरुस्त रहते रहिए। तो कोशिश करेंगे इस चैनल को और आगे लेने के लिए आपका सब्सक्राइब और लाइक और शेयर बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ हम लोग को लाइक और शेयर करिए, हम भी एक कोशिश रख रहे हैं आपको थोड़ा आगे लेने के लिए। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।